जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अब अपने चैनल का नाम हो गया है सेल्फ एससी, ठीक है, सेल्फ एससी हो गया है। और जो भी हमारे पर्यावरण के साथी हैं, पर्यावरण पढ़ने वाले साथी हैं, जो भी एमपी टेट एग्ज़ाम वाले साथी हैं वर्ग तीन वाले, उनसे मैं कहूँगा दोस्तों कि आपके परीक्षा का जो टाइम रखा है वो 26 सितंबर रखा है। अब आप दोस्तों, आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको दोस्तों स्पेशल टेस्ट सीरीज रखी है, यानी कि डेमो टेस्ट सीरीज रखी है ना, तो डेमो टेस्ट सीरीज में आप लगाएं और उसके बाद आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज खरीदनी होगी, जो आपकी 150 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें दोस्तों आपको 40% ऑफ मिलेगा। 40% ऑफ अगर आप खरीदते हैं तो सेल्फ SELF SC40 एक कूपन कोड यूज करना है तो आपको 40% क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कूपन कोड आप यूज करें और दोस्तों परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ पर मॉडल टेस्ट आपके लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो, है ना। हमारा रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं आज के प्रश्न। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं। एकल परिवार के जो है अधिक प्रचलित होने के कारण क्या हैं, जनसंख्या कारण है या फिर महंगाई कारण है, दोनों कारण हैं, सभी कारण हैं या कलह की संभावना, क्या कारण है। दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों कि जो परिवार के हमने प्रकार पढ़े कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एक तो आ जाता है आपका एकल परिवार और दूसरा हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की, ठीक है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार प्रायः दो प्रकार के आकार के आधार पर दो प्रकार के प्रचलित हैं, ठीक है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है, देखा होगा आपने, तो आपने जो उत्तर बताया है कि सभी हैं। देखो जनसंख्या भी है, महंगाई भी है, कलह की संभावना भी है, यानी कि सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि संयुक्त परिवार में कलह हो जाती है तो लोग अलग रहने लगते हैं, अपने परिवार अलग लेकर के चले जाते हैं तो अलग रहने लगते हैं, तो एकल परिवार बन जाता है, ठीक है। परिवार में जनसंख्या की वृद्धि भी हो रही है तो जनसंख्या भी है, महंगाई भी हो रही है तो विभिन्न प्रकार की संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पाते, तो इसलिए ये एकल परिवार के जो है प्रचलित होने के कारण जो है सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जंतुओं में धारीदार ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं, ये किस कारण से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गिलहरी में पाए जाते हैं, है ना, शेर में पाए जाते हैं, बिल्ली में भी आपने देखे होंगे, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें धारीदार चिन्ह पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये धारीदार चिन्ह क्यों होते हैं, उच्चावच के कारण होते हैं, जलवायु के कारण होते हैं, मिट्टी के कारण होते हैं या फिर उपर्युक्त सभी के कारण होते हैं, तो किसके कारण होते हैं धारीदार चिन्ह। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो धारीदार चिन्ह होते हैं ये होते हैं जलवायु के कारण, ठीक है। जलवायु यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, जलवायु आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो किस में किया जाता है। दोस्तों जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, है ना, किस प्रकार के जीव जंतु का कौन सा व्यवहार होता है, सारे के सारे व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन से विषय में किया जाता है, एटियोलॉजी में किया जाता है, नियोलॉजी में किया जाता है, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी में किया जाता है, किस में किया जाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन। और विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं और जीवों का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है अध्ययन इथोलॉजी में, कायम किया जाता है इथोलॉजी में किया जाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन। और आपका जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर, सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, मिड डे मील की शुरुआत बताना है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है। आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर दोपहर के समय क्या देते हैं, भोजन देते हैं, मिड डे मील, है ना, माध्यान्ह भोजन, और ये मिड डे मील की योजना शुरू हुई
2001 में, 1995 में, 1996 में या फिर 2006 में? तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है मिड डे मील योजना की? तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रख लेना, मिड डे मील ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 95 में स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, है ना। अब याद रख लेना कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 95 बच्चे हैं, और 95 बच्चे को मिड डे मील योजना का लाभ मिल रहा है। कितने बच्चों को? 95। तो 95 से आपका 1995 हो जाएगा, ठीक है। मिड डे मील 95 बच्चों को मिल रहा है, तो 1995। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत नहीं है? दोस्तों आपने कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़े होंगे, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है इससे तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे होती है? तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा नहीं माना जाता? जैसे आलू है, आलू तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और इससे तत्काल ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, ठीक है। ब्रेड है, दूध है, पनीर है, इनमें से नहीं है, बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा नहीं है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पनीर। पनीर यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पनीर, ठीक है। आलू कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ब्रेड भी है और दूध भी है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, और पनीर जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं माना जाता, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा विटामिन बी का स्रोत है? दोस्तों आपको पता है कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है B1 का थायमिन होता है, थायमिन, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना, और मैंने विटामिन्स के जो रासायनिक नाम है वो आपको पूरे याद करवाए हैं एक ट्रिक में, है ना। सर्च कर लेना विटामिन के रासायनिक नाम, और वो पूरे के पूरे आपके करवाए हैं। और विटामिन बी का स्रोत कौन सा नहीं है? गाजर नहीं है, आलू नहीं है, बताना है स्रोत कौन सा है, है बताना है दोस्तों, है तो टमाटर, दूध, तो विटामिन बी, है ना। आपने पढ़े होंगे B1 से लेकर B12 तक, B12 तक विटामिन पढ़े हैं, है ना, और इनकी रासायनिक नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, है ना, तो आपको पता होनी चाहिए। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम, जो विटामिन बी का स्रोत है वो आलू, आलू यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आलू विटामिन बी का स्रोत माना जाता है, है ना। बी नंबर आपका प्रश्न क्रमांक 6 का बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब मोर सांप को खाता है, जी हाँ दोस्तों मोर की बात होती है, तो मोर जो है क्या है? मोर दोस्तों अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और मोर काय को खा रहा है? सांप को खा रहा है, सांप को खा रहा है, और सांप कीड़ों को खा रहा है, और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्तर क्या होगा दोस्तों? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, अंतिम अपघटक होगा, या प्राथमिक अपघटक होगा, क्या होगा? जब मोर है और मोर सांप को खा रहा है, और सांप कीड़ों को खा रहा है, और कीड़े पौधों पर खा रहे हैं, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कौन होगा? मोर, है ना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जो होता है वो होता है मोर, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर, ठीक है, आ नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य चक्र, बायोमास का पिरामिड, या फिर खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को, अब एक चीज यहां से समझनी है दोस्तों आपको कि खाद्य श्रृंखला अलग है और खाद्य जाल अलग है, ठीक है, याद रख लेना है, खाद्य जाल अलग है और खाद्य श्रृंखला अलग है। यहां से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो याद रख लेना है। और यहां पर पूछा गया है आपको कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है, याद रख लेना। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को, परस्पर जब समूह होता है तो जो है
इसे खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, खाद्य जाल में क्या होता है दोस्तों, जैसे एक पौधा है, पौधा है ना, पौधे को आपको पता है कि यहाँ पर दोस्तों शाकाहारी भी पौधे खा रहे हैं, और यहाँ पर मनुष्य की अगर बात करें तो सर्वाहारी भी पौधा खा रहा है। ठीक है, और जैसे बात करें मेंढक, तो मेंढक को आपको पता है कि सांप भी पकड़ लेता है कभी कभी, कभी कभी यहाँ से बाज भी पकड़ लेता है, और यहाँ से कुछ और भी पकड़ लेता है। तो ये खाद्य जाल के अंतर्गत आते हैं, है ना, ये खाद्य जाल कहा था, यानी कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। और 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय जल सम्मेलन बताना है, और आपको पता है कि 22 मार्च को हम विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, सभी लोगों को पता है। ठीक है, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 22-22 भी आपको याद रख लेना, 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, और 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहाँ पर किया गया? अब चार विकल्प हैं, चार में से आपको बताना है, और चार में से जब तक आपको बता दूं दोस्तों कि रीवा को सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, जो इंदौर है दोस्तों ये कपड़ा नगरी, अहिल्या नगरी और खान नदी के किनारे स्थित है इंदौर। ठीक है, और इंदौर को क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। और 11 फरवरी 2020 को जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया था वो झीलों की नगरी भोपाल में किया गया था, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, ए सॉरी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया तो कहाँ से किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न है। ठीक है, 2006 में उत्तर प्रदेश से किया गया जल अभियान, केरल में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, या फिर दिल्ली से किया गया? कहाँ से किया गया दोस्तों जल अभिषेक अभियान? प्रश्न क्रमांक है अपना 10, और 10 का बहुत ही बढ़िया उत्तर आपको बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से 2006। अब ऐसा भी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में जलाभिषेक जो अभियान है ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2006 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसको हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना है ना, अभी तक आपने सोना देखा होगा, सोना तो बोले सर पीला पीला होता है, पीला, लेकिन हरा सोना भी होता है कोई, और हरा सोना किसे कहा जाता है? कृषि को कह दोगे आप, वन को कह दोगे, या फिर काफ़ी या उपरोक्त सभी को कहोगे? किसे कहा जाएगा हरा सोना? और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, वन है ना, वन को कहा जाता है हरा सोना। और आपको पता है कि कितने प्रतिशत भाग पर, कुल भू क्षेत्र के 33% भाग पर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, है ना, तो याद रख लेना है। और दोस्तों भूटान ऐसा देश है जहाँ के संविधान में वर्णित है कि कुल क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन होनी चाहिए, भूटान में ये वर्णित है, लेकिन अपने भारत में वर्णित है कि 33% क्षेत्र पर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, और वनों को हरा सोना भी कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। और वन की बात आई है तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है, और यही वन अनुसंधान केंद्र की जो शाखा है अपने जबलपुर में भी है। ठीक है, जबलपुर में भी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, वनों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें उजागर करने के लिए, वनों को कटाई से बचाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से संबंधित है, पेड़ लगाने से संबंधित है, फसलों में वृद्धि से संबंधित है, या फिर पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन करने से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों वन महोत्सव? चार विकल्प में से चयन करना है हमें, वन महोत्सव किससे संबंधित हैं? और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया कि पेड़ लगाना, है ना, पेड़ लगाना, याद रख लेना, पेड़ लगाने से संबंधित है वन महोत्सव, यानी बी नंबर आपका पेड़ लगाना बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, बी नंबर सही होगा, पेड़ लगाना। बहुत सारे लोगों ने पौधों का जल संरक्षण संवर्धन बता दिया, लेकिन इसका उत्तर पेड़ लगाना सही होगा दोस्तों, बी नंबर सही होगा, बी नंबर सुधार लेना, ठीक है, पेड़ लगाने से संबंधित होगा। और अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहा की जाती है, सोपान कृषि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, सोपान कृषि बतानी है। कृषि विभिन्न प्रकार की होती है ना, और आपने देखी होगी कि झूमिंग कृषि होती है ना, और विभिन्न प्रकार की कृषियों की पद्धति होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, सोपान कृषि बतानी है। सोपान कृषि कहाँ पर होती है, शुष्क क्षेत्रों में होती है, पहाड़ी की चोटी पर होती है, नदियों के किनारे होती है, पहाड़ों के ढलान पर होती है, कहाँ पर होती है जी। चार नंबर विकल्प नहीं दिख रहा है, कल से हम पूरा मतलब स्क्रीन बस आपको दिखाएंगे, ठीक है, स्क्रीन बस दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर कृषि की बात है, तो कृषि का आपका हो जाएगी कि जो सोपान कृषि है, सोपान है ना, पान ये पहाड़ी की ढलान पर, पहाड़ी की ढलान पर होती है, जहाँ पर क्या नहीं रुकता, पानी नहीं रुकता, पान बोले सौ पान डालो आप तो, सौ पानी डालो, लेकिन पानी रुकेगा नहीं ढलान में, ढलान में, तो सौ पानी से सोपान कृषि, और सोपान कृषि कहाँ पर होगी, ढलान में होगी, ढलान यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है तो कौन सी नहीं है दोस्तों, मूलभूत संकल्पना बतानी है, अनुकूलन नहीं है, जनसंख्या वृद्धि नहीं है, परिवर्तनशीलता नहीं है, पार्थिव एकता नहीं है, तो पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना कौन सी नहीं है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि है ना। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना क्या नहीं है, जनसंख्या वृद्धि। और आपको पता है कि 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं ना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और पर्यावरण की मूल संकल्पना क्या नहीं है, जनसंख्या वृद्धि, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। और किसी परिवार को दर्शाया जाता है दोस्तों, कैसे दर्शाया जाता है, परिवार आपने देखे होंगे कि समाज में विभिन्न प्रकार के परिवार होते हैं, एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं, संयुक्त परिवार में उनके दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, ताऊ, सभी सभी लोग रहते हैं, वो आपका संयुक्त परिवार है। और दोस्तों नगरों में अधिकतर आपने देखा होगा, नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक एकल परिवार मिलते हैं, और संयुक्त परिवार जो मिलते हैं वो गांव क्षेत्रों में अधिकतर मिलते हैं, संयुक्त परिवार है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी परिवार को दर्शाया जाता है, तो वो दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जैसे एक वृक्ष होता है, फिर उसमें कितनी डालियाँ हैं, ऐसे करके ये पारिवारिक वृक्ष से अलग अलग करके आपको दर्शाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, तो आपका हो गया कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों। कली, कली देखा होगा आपने, कली देखी होगी, और कली का जो प्रमुख भाग होता है वो छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, और वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है। देखा होगा दोस्तों आपने कि एक वृक्ष का जो प्रजनन केंद्र होता है वो आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, फूल होता है, फूल एक प्रजनन केंद्र होता है, और इसमें कली होती है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, और वह क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा कि वह कहलाता है वाहदल, ठीक है, वाहदल, यानी कि आपका जो सी नंबर है वाहदल, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या कहलाता है, वाहदल कहलाता है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देती है, और वह कहलाती है आपकी वाहदल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक क्या है, स्टार्च का बहुलक बताना है दोस्तों। जब तक मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, कहां पर है, कटक उड़ीसा में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक में, और धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, धान का कटोरा है ना। और छत्तीसगढ़ की दोस्तों रायपुर के निकट धमतरी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, और ये महानदी निकलती है दोस्तों, तो इसे बिहार उड़ीसा का सोक भी कहा जाता है इस महानदी को, और उड़ीसा में जाकर के इस नदी में हीरा कुंड बांध बन जाता है, जो कि मिट्टी का सबसे
लंबा बांध है हीरा कुंड बांध, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और चावल और गेहूँ से प्राप्त जो स्टार्च है वो कहलाता है शर्करा, शर्करा यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों गेहूँ की बात आ गई है तो मध्य प्रदेश में पवार खेड़ा है, क्या है, पवार खेड़ा, पवार खेड़ा है, और पवार खेड़ा होशंगाबाद में है, और यहाँ पर आपका गेहूँ अनुसंधान केंद्र है। मध्य प्रदेश में गेहूँ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो पवार खेड़ा, जो कि कहाँ पर है, होशंगाबाद में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों जब होशंगाबाद की बात आ ही गई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि होशंगाबाद में आपका बोरी अभयारण्य है, ठीक है, सतपुड़ा अभयारण्य भी आपका होशंगाबाद में है, और पचमणी भी, दोस्तों आपका पचमणी भी कहाँ पर है, होशंगाबाद में है, जिसे पर्यटकों का क्या कहा जाता है स्वर्ग कहा जाता है। अब पचमणी की बात आई है तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी कहाँ पर है, यहीं पर है होशंगाबाद में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको होशंगाबाद से भी पता चल जाती हैं। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि क्वासी योरकर नामक रोग खालिस्तान की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों क्वासी योरकर रोग। आपको पता है कि क्वासी योरकर यानी कि सूखा रोग, कौन सा रोग, सूखा रोग, आपने देखा होगा कि बच्चों में सूखा रोग लग गया, बोलते हैं कि हमारे